तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बिक्सवी की नए अपडेट के बारे में, नए अपडेट के साथ नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट किए गए हैं। क्या ये नए अपडेट, क्या नए फीचर एड ऑन किए गए हैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ बिक्सवी की नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में, और गैलेक्सी स्टोर के भी जाने के बाद आपको जाना है वहां पर अपडेट्स वाले सेक्शन पे। तो यहां पर आप देखेंगे ये अपडेट्स आपको नीचे मिल जाएगा, बिक्सवी और बिक्सवी बैकअप के आपको दोनों नए अपडेट्स यहां पर मिल रहे होंगे। जैसे कि आप यहां पर बिक्सवी जाएंगे तो आप देखेंगे इस बिक्सवी में आपको इतने सारे नए चेंजेस मिलने वाले हैं। आप देख रहे होंगे इतने सारे यहां पर नए चेंजेस दिए गए हैं। और इसको कब रोल आउट किया गया है, इसको 14 दिसंबर को रोल आउट किया गया है। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले ही आया है। और साथ में इसका जो साइज है, अपडेट साइज 58.33 MB का है। इसका वर्जन है 3.2.45.16। ऐसे ही अगर आप बाहर जाके देखेंगे बैकअप में, तो बैकअप का भी अपडेट आपको लगभग साथ में ही आया होगा, दोनों साथ में ही आते हैं। आप देखेंगे ये 45 MB का अपडेट है। तो आपको इनको दोनों को अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद बताता हूँ उसमें क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं और कैसे अपन इनका यूज कर सकते हैं। तो इनको होने देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको बिक्सवी के नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर दिया गया, आप देख रहे होंगे टॉक टू बिक्सवी विदाउट वेकअप फीचर नाउ वर्क विथ थर्ड पार्टी फोन एप्लीकेशन ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर एक नया फीचर एड ऑन किया गया है। यहाँ पर क्या है, आप विदाउट हाई बिक्सवी बोले आप बिक्सवी फीचर को यूज कर सकते हैं जब आपके पास अलार्म बज रहा हो या फिर कोई कॉल भी आ रहा हो। लाइक आपके पास कोई कॉल आ रहा हो और आपको विदाउट उसको प्रेस करे फोन उठाना हो, तो आप सिंपली कहेंगे आपको हाई बिक्सवी भी नहीं कहना, आपको सिंपल कहना है आंसर द फोन, और आपका फोन ऑटोमेटिकली वहां पर ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसा वर्क करेगा, बट ये वर्क किस में करेगा, वन यू 5.0 में, या फिर बोल सकते हैं एंड्रॉइड 13 पे ही ये वर्क करने वाला है, ये वाला पहला फीचर। तो आपको इसको ऑन करने के लिए ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ जाना है सेटिंग पे बिक्सवी की, बिक्सवी की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जाना है वॉइस वेकअप वाले में, और वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वेकअप वैन साउंड इज प्लेइंग। आपको इसको ऑन कर लेना है जब वो फीचर वर्क करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा भी हुआ है बिक्सवी वेकअप इवन वैन अ रिंगटोन अलार्म और मीडिया इज प्लेइंग, वॉइस रिकॉग्निशन एक्यूरेसी में भी वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर डिवाइस स्पीकर वॉल्यूम। तो ये यहां पर ऐसा वर्क करेगा, सबसे पहला फीचर यह दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड फीचर जो दिया गया है, वो है कि आप जब भी वॉइस फिल्टर या बोल सकते हैं जब भी आप अपने मोबाइल को रिस्पोंड करेंगे या बोल सकते हैं बिक्सवी करके उसको आप यूज़ करेंगे, तो आपकी वॉइस की जो फिल्टर है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, ताकि आपकी जो जैसे मान लो आप कोई भीड़ में हो, कोई ज़्यादा साउंड आ रहा है तो उसका नॉइज बिल्कुल क्लियरली जाए। तो इसका वहाँ पर वॉइस फिल्टर को यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसको यूज़ करने के लिए आपको ऐसा नहीं कोई भी आपको एड ऑन करना हो, सिंपली आप हाई बिक्सवी बोलेंगे और ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको ओपन इसको ऑन करने के लिए वापस आपको यहीं जाना है बिक्सवी की सेटिंग पे, यहाँ जाना है पिकअप में, और यहां पर सबसे पहले मिलेगा रिस्पोंड टू माय वॉइस, आपको इसको ऑन कर लेना है, तो वो वर्क करने वाला है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका अगर वॉइस सही ऐड नहीं है तो आपको यहां पर क्लिक करके वॉइस को दोबारा ऐड ऑन कर सकते हैं, या उसकी सेंसिटिविटी को आप इंप्रूव कर सकते हैं, लो हाई और मीडियम रेंज पे आप इसको यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो सेकंड फीचर ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों वहां पर थर्ड फीचर दिया गया है कि हमने वहां पर आप देखेंगे थर्ड फीचर दिया गया है, रूटीन डाल दिए गए, ऑटोमेट रूटीन वहां पर ऐड ऑन किए गए वहां पर बिक्सवी के अंदर, जो कि आप स्मार्ट थिंग ऐप में भी यूज कर सकते हैं। ये यहां पर आपको दे दिया गया। जैसा कि आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे आपको पहले यहां पर एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो यहां पर भी आपको रूटीन दिख जाएंगे। देख रहे होंगे ये सब रूटीन है आपके हैं जो भी बने बने हैं। यहाँ पर आप क्लिक भी करेंगे तो आपको क्यूक कमांड में भी ये रूटीन मिल जाएंगे जो कि आप ऑटोमेटिक एक्टिवेट कर सकते हैं। ये माय कमांड जो कि मैंने बनाए हुए हैं, और रिकमेंड में करेंगे जो कि वहाँ से रिकमेंड हुए हैं। यहाँ पर आप ऐड ऑन भी करेंगे तो आप यहाँ पर और भी यहाँ पर रूटीन को ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक गुड डेली रूटीन में गुड मॉर्निंग गुड नाइट के, गुड इवनिंग के, प्लेस के, और प्रोडक्टिविटी के, लाइफ स्टाइल के, आप रूटीन यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसको आप सिंपली बोलेंगे हे बिक्सवी गुड मॉर्निंग, तो ऑटोमेटिक वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे ये फीचर्स। ऐसा आप इसका यूज कर सकते हैं। लाइक आपको रूटीन ऐड करना हो तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद लाइक यहाँ पर प्रीडिफाइंड रूटीन दी हुए है, आपको जिसको भी ऐड ऑन करना है तो ऑटोमेटिक वो रूटीन ऐड ऑन हो जाएगा। लाइक मुझे ये वाला रूटीन ऐड ऑन करना है, मैं इस पर गया, मैंने यहाँ पर सेव करा और मैंने इसको यहाँ पर गुड मॉर्निंग, मैंने एक और इसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया गुड मॉर्निंग सनी करके, इसको सेव कर दिया, ठीक है, अभी एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा, है बिक्सवी हाय बिक्सवी गुड मॉर्निंग सनी
और आप देखेंगे जैसा कि वहां पर है कि इस फीचर को जब भी यूज करूंगा तो शो हेडलाइंस हो जाएंगी और वो ऑटोमेटिक शो हेडलाइंस हो गए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेडलाइंस ऑटोमेटिक शो होना चालू हो गई है। तो ऐसे ये रूटीन वर्क्स करती हैं। इसमें और भी एड ऑन कर दिए गए हैं और आप यहाँ पर स्मार्ट थिंग्स ऐप में भी जाके इनका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के ये फीचर एड ऑन किए गए हैं। कॉल वाला फीचर तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर दिया गया है। जब भी आपके पास कोई कॉल आएगा तो आप उसको विदाउट टच करे उसको उठा सकते हैं। दोस्तों यही नया अपडेट था बिक्सबी का जो कि मैंने बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और बाकी सबसे जरूरी चीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू।